जिला चिकित्सालय खरगोन में ऑनलाइन पर्ची बनाने के काउंटर का सर्वर डाउन हो गया था, जिसको देखते ही देखते मरीजों की कतार लग गई। मरीजों को भीड़ बढ़ने के कारण पर्ची बनाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। यह सर्वर कब तक ठीक हो जाएगा? सर्वर डाउन है तो हाथ से ही पर्ची बना दो, डॉक्टर अपनी सीट से उठ जाएंगे। यह कहना था जिला अस्पताल में बुधवार को ओपीडी पर्ची कटवाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों का। काउंटर पर मौजूद सचिन गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में ब्रॉडबैंड व्यवस्था है। सुबह करीब 11 बजे से अचानक सर्वर डाउन हो गया, जिससे मरीजों को परेशान होना पड़ा। बीते दो दिन के अवकाश के बाद बुधवार को अचानक मरीजों की संख्या भी बढ़ गई थी, जिससे कतार लग गई। हालांकि आधे घंटे में सर्वर सुचारू हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। अब जब उनका हाथ नहीं चल रहा है, उनका मोबाइल चला ले, कान पे जोड़ ले, गाने सुन ले, जब उनको बात चली क्या? मैं गया था, मैं पुलिस वाले को बात कर, ये भाई लाइन में लगना पड़ेगा, दो घंटे लाइन में खड़ा हूँ। अभी तक मैं बुद्धिमार बैठिए गेट पे, अब जब वो भर्ती का इलाज नहीं होता, चिट्ठी नहीं काट रहे। परेशानी क्या आ रही है? परेशानी क्या आ रही है? पूछो अंदर से, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहन वर्मा। अरे वो नेट बंद हो गया था, BSNL का नेट है तो बंद हो गया था वो, इसलिए। और मैं अभी केबल भी लेके आया हूँ। आज का दिन खुला है, दो दिन की छुट्टी थी और आज खुला है, और उसको देखते हुए आज नेट अभी बंद हो गया था, इसलिए मैं केबल भी लेके आया हूँ। कितनी देर बंद रहा है ये? करीबन हो गया है 15-20 मिनट हो गए। क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।